इनका एक ही हथियार है इस चुनाव के लिए, वो है ध्रुवीकरण। और आपने देखा है CAA रूल जो 4 साल 3 महीने बाद बनाए गए हैं, ये कानून पारित हुआ, ये बिल पारित हुआ और कानून बना दिसंबर 2019 को लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ। जब कोई ऐसा कानून बनता है, साधारण सभी सरकारों ने 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर वो रूल लाते हैं। इन्होंने नहीं किया, 2020 में, 21 में नहीं किया, 22 में नहीं किया, 23 में नहीं किया, जब 1 महीना बाकी है चुनाव के लिए, और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, गुजरात ऐसे राज्यों में चुनाव को ध्रुवीकरण देने के लिए, जो ध्रुवीकरण का उनका डोज, बूस्टर डोज देते रहते हैं, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो विभाजनकारी नीतियां अपनाते हैं वो CAA दर्शाता है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने भी कहा है, पश्चिम बंगाल ने भी कहा है, ये संवैधानिक सवाल उठते हैं। पर तब भी हमने कहा था हम इस कानून के खिलाफ थे, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ये याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज हुआ है कि आप धर्म के नाम पर नागरिकता देते हो। पर मेरा ये कहना है कानून बना, ठीक है, विवादित कानून था, मतभेद थे, पर कानून बना क्योंकि बहुमत उनके पास थी। पर 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? और अब जब 1 महीना बाकी है आप इसको लागू रूल की घोषणा कर रहे हैं, एक ही मकसद है, एक ही मकसद, शैतानी मकसद है मैं कहूँगा, एक ही मकसद है कि चाणक्य की बुद्धि में यही है कि चुनाव आ रहा है, हम जनादेश खोने वाले हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान संघर्ष चल रहा है, तो इससे हेडलाइन से बचने के लिए इन्होंने CAA रूल की घोषणा की।